वैसे जब वो क्रीज पे आते हैं तो जो टाइमिंग और टेक्निक वगैरह पता चलता है कि हाँ बड़े बेहतरीन बल्लेबाज हैं। तो वैसे ये कोहली को कम्पीट कर लेंगे, कोहली ने 31 जो सेंचुरी है 31वीं सेंचुरी अभी स्कोर की है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पहला उनका मैच था 200वां मैच, तो वो भी काफी स्पीड में चल रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 185 जो उनकी 186वीं इनिंग्स थी 31 सेंचुरीज बना ली है उन्होंने, लेकिन अब वो बड़ी तेजी से वो पोटिंग को तो क्रॉस करके उनकी तो 30 थी अब 31 हो गई है। अब वो गामजन है अपने जो तेंडुलकर उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अभी आप ये बताइएगा कि तेंडुलकर और पोंटिंग ऑब्वियसली बड़े क्लास के बैट्समैन हैं, लेकिन तेंडुलकर की हम बात करें तो उन्होंने ये जो है तकरीबन 267 इनिंग्स के बाद की थी 31 सेंचुरियां, और पोंटिंग ने तो उससे भी ज्यादा जो है लिया था टाइम लिया था तकरीबन 349 इनिंग्स के बाद। तो कोहली का तो एज सच ये एक स्टैट्स देखने के बाद मुवाजना तो नहीं लग रहा इन दो ग्रेट्स के साथ। तो आप समझते हैं कि 4-5 साल में कोई मसला नहीं है कोहली के लिए कि इतनी सेंचुरियां वो 50 कर लेगा, तेंडुलकर की तो 49 है। देखिए जिस तरह कोहली बैटिंग कर रहा है, आपने वो बात की ना बाबर आजम की, मैं इससे उसको कंपेयर नहीं कर रहा। बाबर आजम बड़ा पोटेंशियल वाला प्लेयर है, बड़ा टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है, स्पेशली वन डे और T20 के फॉर्मेट में। और कोहली जो है वो तीनों फॉर्मेट्स में है, बहुत मिच्योर है कोहली, और गालबन ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर उसको फिजिकल फिटनेस का इशू ना हुआ तो वो इस आप भी अक्सर तारीफ करते हैं, उसने फिजिकली बड़ा मेंटेन किया अपने आप को, बड़ा वो हाई लेवल पे ले गया जो फिटनेस का लेवल है, बहुत हाई लेवल पे वो अपना फिटनेस लेवल लेकर गया है। दैट्स व्हाई वो सरवाइव कर गया है तीनों फॉर्मेट में इंडिया की जानिब से। अब तो उसकी भी एक आदत सी बन गई है कि वो ग्राउंड में आता है तो सब समझते हैं, स्पेशली इंडियन समझते हैं कि वो सेंचुरी बनाएगा, उससे पहले आउट नहीं होगा। हम बाबर आजम के बारे में अब ये कहते हैं कि वो ड्रेसिंग रूम से निकलता है, तो हमें भी अब आदत सी पड़ गई है कि बाबर आजम ने तो अब 100 करना ही करना है। उसको रोकने के लिए श्रीलंका ने स्ट्रेटजी बनाई है कि स्कोर ही 120-125 करो ताकि उसकी सेंचुरी ना हो। बड़ा अच्छा खेल रहा था बाबर आजम। अच्छा बाबर आजम जो है ऑब्वियसली अगर इसी तरह खेलता रहा तो होपफुली के पाकिस्तान कप जो सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाला बाबर आजम बन सकता है, पोटेंशियल है। बाबर आजम में बेतहाशा पोटेंशियल मौजूद है, स्पेशली वन डेज और T20 के फॉर्मेट की मैं बात करूंगा। बाबर आजम है, हसन अली है, शादाब है, इनमें बहुत मैं पोटेंशियल देख रहा हूं, और बशर्ते कि फिजिकली फिट रहे, फिजिकली फिट रहना को, क्योंकि अभी यूएई से खबर आई थी बाबर आजम के हवाले से कि उसको फिजिकल फिटनेस का भी कुछ इशू हुआ था, लेकिन थैंक्स गॉड के गालबन वो इशू सॉल्व हो गया। वर्कआउट करेंगे अपनी फिटनेस पे मजीद करेंगे, टेक्निक तो माशाल्लाह है ही अच्छी उनके पास, लेकिन उनसे भी ये सवाल किया गया कि आपका कंपेरिजन कोहली से, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोहली ने काफी कुछ प्रूव किया हुआ है, आई वुड लाइक टू बी द